चुनावों की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश में लोकतंत्र के इस पर्व को लोग बड़े उत्साह से देख रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ है। 14 जनवरी को यात्रा निकली थी और तमाम राज्यों में होते हुए आज मुंबई में यात्रा पहुंची है। यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी जनसभा आज शाम को आयोजित हो रही है, उसमें तमाम इंडिया लाइंस के जो पार्टनर्स हैं वो सब उसमें शामिल रहेंगे। और मुझे लगता है आगाज भी होगा ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस और इंडिया लाइंस का जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी शुरुआत भी होगी। और देश देख भी रहा है 10 साल में देश में क्या हालात पैदा हुए हैं और हम चाहते हैं कि मुद्दे जो हैं जनता के उस पर वोट डाली जाए, रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट डाली जाए, हकीकत वास्तविकताओं को देखकर वोट डाली जाए, जज्बाती मुद्दों में जनता के ध्यान भटकाकर वोट लेने की जो परिपाटी है वो समाप्त होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहेंगे और अरविंद केजरीवाल? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट बोल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ खासकर भाजपा को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि इतने लंबे सालों से इस प्रकार की जो धांधली हुई है उसका कितना मुनाफा उन्होंने कमाया है। कांग्रेस पार्टी का बेवजह हमारे खातों को सीज किया गया है और जो उन्होंने इलीगल बॉन्ड के तरह हजारों करोड़ पैसे इकट्ठा किया है उस पर इनकम टैक्स क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि अगर खाते सीज करने हैं तो भाजपा क्यों नहीं चिना की कांग्रेस को।